नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको NHPC चौक के पास एक एक्सीडेंट दिखाया था। एक वेगनार गाड़ी थी जिसे पानी का टैंकर से टकराई थी और काफ़ी नुकसान हुआ था गाड़ी में। और फिलहाल हम थोड़ा सा आगे पहुंचे हैं और ये एक ट्रक यहाँ पे खड़ा हुआ है। सिलेंडर्स इसमें रखे हुए हैं, गैस के LPG सिलेंडर्स इसमें रखे हुए हैं। ट्रक का नंबर हम आपको बता दें, UP14MT2688 इसका नंबर है। और आपको दिखा दें, इस ट्रक में फिलहाल काफ़ी देर से, लगभग आधे घंटे से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस ट्रक में फिलहाल कोई भी नहीं है, ना ड्राइवर है और ना ही साथ में बैठने वाला जो असिस्टेंट होता है वो है। और आप देख सकते हैं इसका पहिया जो है इससे डिवाइडर से एकदम चिपका हुआ है। कहीं ना कहीं देखने से ऐसा महसूस हो रहा है कि इस ट्रक का भी यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। और सिलेंडर आप देख सकते हैं, सिलेंडर भरे हुए हैं और पिछले आधे घंटे से ये ट्रक लावारिस कंडीशन में यहाँ पर खड़ा हुआ है। आस पड़ोस के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो लोग हैं क्या हुआ है। क्या नाम भाई साहब आपका? विक्रम। विक्रम जी, क्या हुआ, ये ट्रक ऐसे खड़ा हुआ है? ये एक्सीडेंट हो गया था कार में। अच्छा। तो कब हुआ है, कितनी देर? आधा घंटा हो गया, आधा एक घंटा हो गया हम। अच्छा। तब से खड़ी है कार वाला ने, इसका गाड़ी का चाबी लेके चल गया है। इसकी चाबी लेके चला। हाँ, अब पुलिस वाले आए, पता नहीं क्या क्या किया इसको, और पुलिस वाले ड्राइवर को बैठा के लेकर चले गए। कोई इंतजाम तो नहीं किया जैसे ट्रैफिक वगैरह? जाम नहीं हुआ, अभी पीछे वाला कार में जाम हुआ था बस। हाईवे है और इस पर ट्रक इतनी देर से खड़ा हुआ है, और कितने, एक घंटे पहले करीब हुआ है, तो चोट वगैरह आई थी क्या गाड़ी? नहीं, चोट वोट नहीं आए थे, नहीं किसी को नहीं आए। काफी तेज स्पीड में? नहीं, ये कार वाला गलती था। ये कार वाले ने पीछे से आग लगा दिए थे। पीछे से ऐसे ओवरटेक? हाँ, ओवरटेक किया तब लगी। अच्छा। और उसी को बचाने के चक्कर में शायद ये ट्रक इससे? तो बाद में साइड किए, यहाँ पे लगे थे बीच बीच में। अच्छा। ये तो बाद में साइड किए, साइड से ओवरटेक। हाँ हाँ। गाड़ी ज्यादा तेज स्पीड में? नहीं, ये मीडियम साइज में थी, 40 की थी शायद। तो कम स्पीड में था गाड़ी? तेज स्पीड में? नहीं, वो भी 40-50 की स्पीड में थी शायद। थोड़ा सा टच हुआ था। थोड़ा सा आगे जो पीछे एक्सीडेंट हमने दिखाया उससे थोड़ा सा आगे ये जगह, और यहाँ पर भी बता रहे हैं कि गलती थी, तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करे इसीलिए गलती हुई। ट्रैफिक रूल्स फॉलो ना करने के चलते गाड़ी वाले से गलती हुई और ये ट्रक से गाड़ी टच हो गई, जिसके चलते गाड़ी वाला इसकी चाबी लेकर चला गया है। और फिलहाल पुलिस प्रशासन जो ट्रक का ड्राइवर है उसको अपने साथ ले गए हैं, और ये यहीं पर पिछले करीब आधे घंटे से लावारिस कंडीशन में ये ट्रक यहाँ पर खड़ा हुआ है। नंबर एक बार आपको फिर से बता दें, UP14MT2688 इसका नंबर है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।